जय हिंद दोस्तों, दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों आप लोग को पता है कि आज आपका 2 जून को पेपर समाप्त हो गया है शाम को 5:30 बजे। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि आपका कितना कट ऑफ रह सकता है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, जिससे कि आप अपनी नेक्स्ट सेकेंड राउंड की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं इसके बाद, और जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका क्या है कि फर्स्ट राउंड हो गया है, तो अब आपको क्या है सेकेंड राउंड, क्योंकि मैरिट तो उसी से बननी है, सेकेंड राउंड से ही आपकी मैरिट बननी है। तो अब आपको क्या करना है कि सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। तो अगर आपके दोस्तों इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट कर दें। वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, 22 से लेकर 2 जून अभी तक मैं डेली पेपर का एनालिसिस लेकर आता था, तीनों टाइम का पेपर का एनालिसिस लेकर आता था, जो मुझे टेलीग्राम से लोग देते थे। इवन हम लोग सेंटर में भी जाकर डायरेक्ट सेंटर से रिव्यू लेते थे। तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए और कितना क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, जिस हिसाब से लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उस कारण से मैं बताऊंगा कि इतने लोगों के इतने मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक जाइएगा, मैं काफ़ी एनालिसिस करके आपको ये वीडियो बनाया हूँ और काफ़ी चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी आज का जैसे पेपर था, 2 जून का पेपर था, थोड़ा सा पेपर दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट से कह सकते थोड़ा सा हार्ड पेपर आ रहा है। तो इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों हम जोन वाइज बताएंगे, पहली बात मैं एक एक करके जोन वाइज में किस जोन में कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ जोन हाई होते हैं, कुछ जोन कम होते हैं, ठीक है, कुछ जोन काफ़ी हाई होते हैं, कुछ जोन का कट ऑफ काफ़ी लो होता है। तो अब देखते हैं जनरल OBC SC ST का एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, ये तीन ऐसे जोन हैं जहां कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम रिसेंट हम जितने भी अभी तक रेलवे के पेपर हुए हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ है, ALP हुआ है, RPF हुआ है, इवन क्या कहते हैं लास्ट ईयर NTPC का हुआ था, तो इसमें दोस्तों इन तीनों का कट ऑफ काफ़ी मतलब कंपेयर में एज कंपेयर टू अदर जोन में काफ़ी लो था। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, अब दोस्तों हम इसमें क्या देखेंगे कि हाई जोन वाले कौन से हैं। दोस्तों ये जो जोन है ना, जैसे इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों एक बार, पटना हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, रांची हो गया, ये दोस्तों ऐसे जोन हैं जहां हर बार कट ऑफ आई जाता है। हो सकता है कि एक आधा जैसे कि सिकंदराबाद और रांची में कभी कभी अभी रिसेंटली ALP में हुआ है कि उसका थोड़ा सा कम चला गया है, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी हाई जोन माने जाते हैं। और आपको भी पता होगा ये चीज़ कि ये काफ़ी हाई जोन है, तो यहाँ का कट ऑफ आपको उन सेफ जोन से काफ़ी हाई मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का भी डिफरेंस का बदलाव जरूर होगा। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या देखते हैं, आपको पता है कि आपकी वैकेंसियां टोटल कितनी है, आपकी वैकेंसियां 13,487 है, ठीक है, टोटल वैकेंसियां। कितने स्टूडेंट लोगों ने दोस्तों फॉर्म भरा है, फिल्ड किया है, 22,00,000 लोगों ने फिल्ड किया है। और दोस्तों आपको पता है कि 75% अटेंडेंस है, 75% अटेंडेंस है इसमें, लगभग आप सोच सकते हैं लगभग 5,00,000 लोगों ने फॉर्म एग्ज़ाम नहीं दिया, पाँच मतलब टोटल अगर आप देखें तो आपके पास टोटल दोस्तों 15,00,000 लोग हैं, 15,00,000 लोगों से आप फाइट करना है। अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों आपको पता है कि दूसरे राउंड में 15 टाइम्स लोगों को लिया जाएगा, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3487 × 15 कर दीजिए, जो आएगा उतने आपको इतने स्टूडेंट आपको लिए जाएंगे, ठीक है, आपको इतने स्टूडेंट लिए जाएंगे, लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको कम से कम दोस्तों जो आपका है तो लगभग 2,00,000 के करीबन लोग को लिया जाएगा, लगभग 2,00,000 के करीबन लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं दोस्तों और भी चीज़ें देखते हैं, अब एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, ये जो पेपर का जो लेवल आया था ना दोस्तों, वो इजी टू मॉडरेट था। तो अब हम एक एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। मैथ में आपको पता है मैथ जो है वो 30 नंबर की आई थी, ठीक है, 30 नंबर की आपकी मैथ आई थी, ठीक है, 25 नंबर की रीजनिंग आई थी, साइंस जो है वो आपका लगभग 30 नंबर का आया था, और ये आया था दोस्तों 15 नंबर का, ठीक है, ये आया था दोस्तों 15 नंबर का।
तो अब क्या है कि दोस्तों मैथ में लोगों ने 30 नंबर में कितना किया है, 24 नंबर किया है। मैथ में जो लोगों ने किया है वो 30 नंबर में 24 लोग मिनिमम मतलब ऑन एवरेज लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया है दोस्तों, 18 नंबर, क्योंकि आपको पता है दो पजल जो आते हैं वो कोई नहीं करके आए, मोस्टली लोग करके नहीं आए। साइंस आप देख सकते हैं लगभग 30 में से 20 लोग अटेम्प्ट करके आए हैं साइंस में, और जीके में दोस्तों अगर आप देखें 15 में से 8 से 9 लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इसका जो ओवरऑल जो दोस्तों एवरेज लोग अटेम्प्ट करके आए हैं वो लगभग दोस्तों 72 से लेकर 75 नंबर तक ऑन एवरेज लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने 80 नहीं किया, कुछ लोगों ने 80 भी किया है, 85 भी किया है शुरू शुरू के शिफ्टों में, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि लोगों ने दोस्तों इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपका एवरेज कितना लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। तो एवरेज जो दोस्तों अटेम्प्ट करके आए हैं वो 72 से लेकर 75 तक लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। अब अगर अब लोगों ने इतना अटेम्प्ट करके आया है एवरेज, तो आपका कट ऑफ ऑब्वियसली इससे थोड़ा कम ही जाएगा। उसका कारण ये है कि कुछ नंबर जरूर आपके निगेटिव में जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नंबर आपके निगेटिव में जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि कितना कट ऑफ लो जो आपके जोन जो हैं, ठीक है, जो काफ़ी लो जोन लोग कट ऑफ जाने वाले हैं जिस जोन में, जैसे हमने बात किया था सिलीगुड़ी, बात किया था बेंगलोर, बात किया था मालदा, बात किया था, तो इनका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बात कर रहा हूँ, दो कट ऑफ बताऊँगा, एक हाई जोन का एक लो जोन का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनका जो दोस्तों कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग दोस्तों 62 से लेके 68 तक जाएगा। इनका जो कट ऑफ जाने वाला है जनरल का वो 62 से 68 जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बचा ओबीसी, तो ओबीसी में दोस्तों 58 से लेके 65 तक जाएगा, ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एसटी का अब देखते हैं कि एसटी में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो एसटी में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 52 से लेके 60 तक जाएगा कट ऑफ एसटी में, सॉरी ये एससी है दोस्तों, ये एससी है और ये एसटी है, ठीक है। तो एससी में जो जाएगा आपका वो 52 से लेकर 60 तक जाएगा। अब देखें एसटी, तो एसटी में जो दोस्तों जाएगा वो 50 से लेके 58 तक जाएगा। तो दोस्तों ये कट ऑफ था वेरी जो 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 आपके काफ़ी मतलब जो लोग जोन है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 10 नंबर भी बढ़ेंगे, अगर किसी के 50 नंबर भी आ रहे हैं तो उसके भी बढ़ेंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि जो हाई कट ऑफ जोन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, जो अभी मैंने दिया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, पॉज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हाई कट ऑफ जोन जो मैंने बताया था अभी, हाई कट ऑफ जोन एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए कि ये हाई कट ऑफ जोन है, इनका कितना कट ऑफ जाना है वाला है। तो इनका आप देख लीजिए, देखिए लो कट ऑफ जोन है, तो हाई कट ऑफ जोन देखते हैं कि कितना जा सकता है। तो दोस्तों हाई कट ऑफ जोन जो है वो लगभग दोस्तों जो जाने वाला है वो 68 से लेके 73 तक जाएगा, इस बात को आप एग्री कर रहे होंगे, 68 से लेकर 73 तक आपका हाई कट ऑफ जोन जाएगा। अब बचा ओबीसी, तो ओबीसी दोस्तों जो जाने वाला है वो आपका लेकर 65 से लेके दोस्तों 69 तक जाएगा ओबीसी का इतना कट ऑफ जाएगा। अब बचा एससी और ये है एसटी, ठीक है, तो एससी का कितना जाएगा। तो दोस्तों एससी का जो आपका जाएगा वो 62 से लेके दोस्तों लगभग 65 तक जाएगा, ठीक है, एससी का जो है इतना जाएगा। अब बचा एसटी का, तो एसटी का जो जाएगा दोस्तों 58 से लेकर आपका जो कट ऑफ इसमें जाएगा वो आपका जाएगा लगभग दोस्तों 63 तक, 58 से लेकर 63 तक आपका हाई कट ऑफ जोन में जाएगा। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका इतने के बीच में ही कट ऑफ जाएगा, इस बात को मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है
कि ये मुझे अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर का, जो लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो उसका क्या है दोस्तों, आपको टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम में ऑलरेडी 55,000 लोग ऐड हैं, मेंबर हैं, अगर आपने टेलीग्राम का नाम सुना होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक है और एक मैसेज पिंड मैसेज में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी सर्वे डाल दिया है, लोग ऑलरेडी उसमें सर्वे कर रहे हैं कितना अटैम्प किया है, तो उसके अकॉर्डिंग पे भी मैं कट ऑफ बनाने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी ला रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और NTPC में भी मैं लगातार एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब बात दोस्तों, अब मैं ये करता हूं कि अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है, आपका कट ऑफ जो है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आएगा। तो दोस्तों इतना ही अगर आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इतना ही कट ऑफ जाएगा। क्योंकि आपको पता है 15 गुना लिया जा रहा है, 15 गुना लोगों को लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इतना आप खुद समझ सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने गलत हैं। आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ काफ़ी सही है, ठीक है, जिस हिसाब से लोगों के पेपर आए हैं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है दोस्तों, बस कुछ लेंदी आया, जैसे मैथ लेंदी आ गया है, रीजनिंग आ गया है, कोई रीजनिंग अगर करने बैठा है तो उसका टाइम काफ़ी ख़राब हो गया है, तो पेपर लेंदी नहीं आया, बस समझ लीजिए कि थोड़ा सा दिमाग वाला आया, इधर उधर चीज़ें आई हैं, ठीक है, पेपर का। और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं जोन वाइज डिसाइड होगा, किस जोन में कितना होगा तो वो भी डिसाइड होता है। जैसे इलाहाबाद हो गया दोस्तों, इलाहाबाद हो गया, अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, और मुंबई हो गया, ये ऐसे जोन है दोस्तों कि इनका सबसे टॉप में हाई कट ऑफ जाएगा। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि जनरल में यहाँ कितना जा सकता है, दोस्तों अगर यहाँ 72 प्लस चला जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी हाई कट ऑफ रहते हैं ये स्टेट में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना इन जोनों में से भरा है तो आपके इतने नंबर 70 प्लस आने चाहिए, तब जाके आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन जोनों में 65 पे सिलेक्शन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 65 नहीं जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, और मैं टेलीग्राम में डेली कोई ना कोई बेस्ट PDF प्रोवाइड करता हूँ, NTPC जूनियर NTPC की, और सेकेंड राउंड का जो आपका होगा उसकी मैं बुक्स जो है फ्री में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब की बुक मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को दोस्तों आप बिल्कुल देखिए, ये मेरा टेलीग्राम है, आप देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप अगर टेलीग्राम को ये भी अगर ID डालेंगे, इस ID को अगर आप डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, मेंबर देख सकते हैं कितना मेंबर है, लगभग 53,000 है, लेकिन अब 55,000 हो गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट पुराना ले रखा है मैंने, डेली 500-600 लोग बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए कल पल की अपडेट जो भी होगी मैं देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में बोलता हूँ दोस्तों, आप के कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट में जरूर करें, क्योंकि उस मार्क्स को भी मैं सर्वे में इंक्लूड करूंगा। आप बताएं कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, इस जोन से हैं, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।